जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 53 से लेकर 55 में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसके 50 क्वेश्चंस को कर लिया। और इस वीडियो में हम 51 से लेकर 75 तक यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है 51, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि SC यानी शेड्यूल कास्ट की बात पूछी जा रही है। तो वो जो राज्य है मित्रों, वो उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर सी होगा, यानी उत्तर प्रदेश में जो है SC जाति की संख्या अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश में ST जाति की संख्या अधिक है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक SC जनसंख्या जो है UP में है और ST जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि भारतीय कोयला उद्योग के समस्या पर विचार करना है। भारतीय कोयला उद्योग के समस्या पर कि यहाँ जो है निम्न कोटि के कोयला एवं कोयला संचरण में बाधा है, तो सही है। धुनाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी है, ये भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है, ये भी सही है। और कार संचालन कीमतें जो अधिक है, ये भी सही है। तो कोयला उद्योग की समस्या के बारे में जो है ये सभी कथन सही है। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 होगा, यानी कि इसका आंसर बी होगा। ठीक है मित्रों, भारत में कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्या है, निम्न कोटि का कोयला, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कार संचालन कीमतें और धुराई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तो ये जो है भारत में कोयला उद्योग की जो है निम्नलिखित समस्याएं हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त 53। दुमटी, इस दोमट मिट्टी को लोम मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसमें कौन सा कण मिलता है? तो दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। इसका मतलब कि बालुई, चिकनी और पांसू, ये सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो दोमट या लोम मिट्टी में जो है सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिसमें बालुई कण, चिकना कण, पांसू कण, ये सभी प्रकार के कण मिलते हैं। किस मिट्टी में? दोमट मिट्टी में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि पौधा में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। तो पौधा में सबसे अधिक पानी जो है लोम मिट्टी यानी दोमट मिट्टी से मिलता है। क्यों मिलता है दोमट मिट्टी से? क्योंकि इसके जो रंध्र होते हैं, छिद्र जो होते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। इससे जो है जल धीमी गति से रिसता है, बलुई मिट्टी में रंध्र बड़े होते हैं, जल का रिसाव तेज होता है। दोमट तीनों का मिश्रण होता है, इसलिए पौधे के लिए जो है सबसे अधिक पानी देता है। कौन? दोमट, क्योंकि इसमें रंध्र जो है छोटे छोटे होते हैं और सूक्ष्म होते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, किस मिट्टी में केसिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक होंगी। तो लोम मिट्टी में जो है, लोम या दोमट मिट्टी में जो है केसिका क्रिया सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसमें छोटे छिद्र और सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो लोम मिट्टी में जो है केसिका क्रिया कैपिलरी सिस्टम सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, लोम या दोमट मिट्टी। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीप अलग हुए। तो ये महाद्वीप जो अलग हुए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में, ये किस क्रिया से हुए? ज्वालामुखी क्रिया से, या चट्टानों के बलन और भ्रंशन से, या उपरोक्त सभी से, या विवर्तनीय क्रिया से? तो दोस्तों, महाद्वीप की जो अलग होने की प्रक्रिया है वो टेक्टोनिक विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण है। किस क्रिया कारण है? विवर्तनिक क्रिया के कारण। तो इसका आंसर बी होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाद्वीप एक दूसरे से खिसक रहे हैं। इस विचार का जो है सबसे पहले प्रतिपादन 1924 में अल्फ्रेड वेगनर ने रखा। किसने रखा? 1924 में अल्फ्रेड वेगनर ने। इसे ही जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहा जाता है। प्रारंभ में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से वैज्ञानिक सहमत नहीं थे, किंतु आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने इसकी जो है पुष्टि कर दी। महाद्वीपीय प्लेटों के रूप में
अर्धद्रव्यीय सतह पर जो है खिसक रहे हैं। महाद्वीप जो है वो प्लेटों के रूप में अर्धद्रव्यीय सतह पर क्या हो रहे हैं, खिसक रहे हैं। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 के निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। ऐसा इसमें से कौन है जो सौरमंडल का भाग नहीं है, तो मिश्र क्षुद्रमंडल क्षुद्र ग्रह भी जो है सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, भाग नहीं है तो कौन, निहारिका। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है मित्रों, तो निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, अन्य ये आकाशीय पिंड जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ये सभी जो है सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अरब सागर का औसतन पानी का खारापन कितना है, औसतन खारापन कितना है अरब सागर के पानी, तो लगभग 36 PPT है, यानी कि इसका आंसर लगभग बी होगा, 35 PPT। तो महासागरों में जो है औसत लवणता 35% है, क्योंकि प्रत्येक महासागर, सागर, झील आदि में लवण की मात्रा जो है भिन्न भिन्न होती है। अरब सागर में जो है 36% लवणता पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर जो है बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काहिरा का समय जो है ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, तो यह जो है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटा, तो 30 डिग्री जो है 2 घंटा। ठीक है मित्रों, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। काहिरा जो है उत्तरी गुजरात के पूर्वी देशांतर 30 डिग्री पर अवस्थित है, 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, इसलिए 2 घंटे में 120 मिनट होता है, तो 120/4 यानी कि 30 डिग्री देशांतर इसका आंसर होगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 की तकरा मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो तकरा मरुस्थल दोस्तों चीन में अवस्थित है, इसका आंसर डी होगा। तकरा मरुस्थल जो है चीन में 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इस मरुस्थल में जो है बालुका के स्तूप में परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 61 की हिंद महासागर और लाल सागर, इसको कौन सी जलसंधि जोड़ती है, ये बाब अल मांडेव जलसंधि जोड़ती है, इसका आंसर ए होगा। तो हिंद महासागर और लाल सागर को ये बाब अल मांडेव जलसंधि जोड़ती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है, 90 ईस्ट रेंज, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, और सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा, ये किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, सऊदी अरब की रियाद है, सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स शहर में अवस्थित है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 के विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है, इसका आंसर सी होगा। विश्व में जो है सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश चीन है, उसके बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस। संचित भंडार में बात करें तो अमेरिका का जो है प्रथम स्थान है, इसके बाद रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का स्थान आता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण क्रिया किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है, तो वर्ण क्रिया जो है ये जो है पर्वत निर्माण कार्य का परिणाम है, तो इसका आंसर सी होगा। कोबलर महोदय ने वर्णित पर्वत की उत्पत्ति के लिए भू सन्नति सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, और इस भू सन्नति के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, जब भू सन्नति अवसादों से भर जाती है तब दोनों अग्रभाग जो है खिसकने लगते हैं, जिसे संपीड़नात्मक बल के कारण उसकी तलहटी में सिकुड़न
या मोर पैदा होने लगती है और ये जो है मोर बरित पर्वत का निर्माण करते हैं। तो ये बात किसने बताई? कोबलर महोदय ने बताई। किसने बताई? कोबलर महोदय। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि सागरीय लवणता का मुख्य केंद्र कौन है, मुख्य स्रोत कौन है? तो सागरीय लवणता का जो है मुख्य स्रोत मित्रों नदियां हैं। इसका आंसर ए होगा। तो सागरीय लवणता का जो है मुख्य स्रोत जो है मित्रों पृथ्वी ही है। प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो शीतलन से जो है ठंडा होने से सर्वप्रथम जो है ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ। उस समय पपड़ी यानी क्रस्ट में लवण की मात्रा अधिक थी। पपड़ी के विघटन तथा वियोजन के कारण अपरदन के कारकों द्वारा लवण सागर में पहुँचाए जाने लगे, जिस कारण जो है सागर की जल के लवण मात्रा में वृद्धि होने लगी। नदियाँ जो है ये सागर तक लवण पहुँचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख थी। इसके बाद जो है पवन द्वारा भी लवणों का निक्षेप होता रहा। तो सागरों में जो है लवण की मात्रा जो है बढ़ाने में जो है नदियों का जो है प्रमुख स्थान है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 के ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल कौन कौन है? तो ऊर्जा के दो तरह के स्रोत होते हैं। एक होते हैं वाणिज्यिक स्रोत, जिसके ऐसे ऊर्जा जिसके खर्चा के लिए हमें पैसा देना पड़े, और गैर वाणिज्यिक स्रोत उस ऊर्जा जिसके लिए खर्चा नहीं हो तो वो गैर वाणिज्यिक स्रोत होता है। तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में मुख्यतः शामिल है शक्ति, कोयला, तेल गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। तो इसका आंसर ए होगा। ऊर्जा के सामान्य स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्यिक स्रोत। वाणिज्यिक स्रोत के अंतर्गत उसे शामिल किया जाता है जिसके उपयोग करने पर पैसा देना पड़ता है, जैसे शक्ति यानी कि बिजली, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। गैर वाणिज्यिक स्रोत वो हैं जिसमें खर्च नहीं लगता, जैसे कि जलावन की लकड़ी, गोबर का उपला, वनस्पति अवशेष इत्यादि। ठीक है मित्रों, तो वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक में अंतर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 की केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी वन उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक की वित्तीय सहायता दी गई? यह है लगभग 500 करोड़। इसका आंसर डी होगा। तो सरकार द्वारा जो है अक्टूबर 1977 में मिनी रत्न योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य था कुशलता बढ़ाना और प्रतियोगिता सक्षम बनाना। इसके अंतर्गत दो वर्ग है, श्रेणी 1 श्रेणी 2। श्रेणी 1 उद्योगों को जो है अधिकतम 500 करोड़ निवेश करने की सहायता दी गई है। किसके? श्रेणी 1 वाले को। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 के भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में कितना थी? तो भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है 1994 में 243 केजी तेल के बराबर थी। तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 70 कि भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब पैदा हुआ? ये जो है 70 से 80 के दशक के दौरान पैदा हुआ। तो इसका आंसर डी होगा। भारत में 1973 ईस्वी में कच्चे तेल की कीमत $2.1 प्रति बैरल से बढ़कर 1980 में हो गया $27.30 प्रति बैरल। उस समय उपभोग जो है 240 लाख टन से बढ़कर 270-80 में 300 लाख टन हो गया, जिसके कारण जो है 70-80 के दौरान ऊर्जा संकट का जो है भारत को सामना करना पड़ा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 के भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण बताना है, उस पर विचार करना है। तो भारत में जो है राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता जो है उसके कारण जो है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन से कम पर बिजली बिकने, ये सही है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, ये भी सही है। और अगला कथन है राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है, तो ये भी सही है। तो ये चारों कथन जो है इसमें सही है। तो इसका आंसर जो है सी होगा, 1, 2, 3, 4। तो भारत में जो है राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता यानी कि फाइनेंशियल कमी का जो है कारण है
पावर जनन क्षमता में उपभोग का अनुकूलतम से कम रहना, संचालन एवं वितरण में भारी घाटा, पावर प्लांटों द्वारा कोयलों की घटिया क्वालिटी, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा आर्थिक टैरिफ निश्चित न कर पाना और कृषि एवं परिवार दोनों क्षेत्रों में भारी पावर टैरिफ। तो ये सब जो है राज्य बिजली बोर्ड के आर्थिक रुग्णता यानी कि वित्तीय रुग्णता के कारण है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो मित्रों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका आंसर सी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को महत्ता प्रदान की गई है। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 की चर योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो चालू वर्ष के लिए जो है एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, तो ये सही है। एक योजना जो 3-4 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये गलत है। वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, ये सही है। 10, 15, 20 वर्षों के लिए, तो ये गलत है। इसमें दो कथन सही है। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है और वह अर्थव्यवस्था के अनुसार आवश्यकता अनुसार जो है प्रतिवर्ष संशोधित होती है। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर जो है बी होगा, यानी 1-3 कथन सही है। केंद्र में जो है जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो इसके आने के बाद वह 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व जो है 1978 में समाप्त कर दिया गया और 1 अप्रैल 1978 को एक नई योजना प्रारंभ किया गया जिसे चर योजना या अनवरत योजना नाम दिया गया। कब? जनता पार्टी की सरकार जब 1977 में आई उसके बाद। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मित्रों ये 1950 में हुई, जो कि अब नीति आयोग बन चुका है 2015 में। तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में हुआ। यह एक सरकारी संस्था थी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और प्रथम अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में जो है महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। तो दोस्तों ये बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ये राज्य है, इसका आंसर बी होगा। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था। इसके अलावा राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर राज्यों के स्थानीय निकायों में जो है 50% आरक्षण कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो है आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।